देश में किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसका बड़ा खुलासा हो गया है। किस तरह से सरकार जनता को गुमराह कर रही है और पैसे को पानी की तरह बहा रही है। देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए और बड़ी जांच करने के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया। लोकपाल को पूर्व या वर्तमान प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री या सरकारी अफसर के अलावा किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वतंत्र संस्था के खिलाफ जांच करने का अधिकार है। हालांकि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल के लिए कोई स्थायी कार्यालय नहीं है, इसलिए लोकपाल सरकारी होटल अशोका से अपना कामकाज चला रहे हैं और वे इसके लिए 50 लाख रुपए प्रति महीना किराया दे रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत बताया गया कि लोकपाल अशोका होटल से कामकाज कर रहे हैं और 50 लाख रुपए कुल मासिक किराया दे रहे हैं। अभी तक 3,85,00,000 रुपए तक का किराया जा चुका है। मामला यही नहीं थमता। विचित्र बात तो यह है कि जो लोकपाल नियुक्त हुए और जिन्हें दिल्ली के 5-स्टार होटल में ऑफिस दिया गया, जिसका महीने का किराया 50 लाख जा रहा है, उन्होंने अभी तक 1,000 मामलों में सुनवाई की है, लेकिन किसी में भी अभी तक जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। आरटीआई के तहत यह जानकारी सामने आई है। जवाब में बताया गया है कि 31 अक्टूबर तक लोकपाल कार्यालय को लोक सेवकों के खिलाफ 1160 शिकायतें मिली, जिसमें बेंच ने 1000 मामलों की सुनवाई की। 1000 से ज्यादा गंभीर मामलों की सुनवाई करने के बाद भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि किसी की भी जांच करवाई जाए। यह सारे मामले बड़े बड़े नेताओं, सांसदों, मंत्री या सरकारी अफसर उन सब से संबंधित है, जिस पर लोकपाल ने अभी तक 1000 मामले सुनने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता शुभम खत्री का कहना है कि आश्चर्य है कि लोकपाल को एक भी शिकायत जांच करने लायक नहीं लगी। इस साल मार्च में सरकार ने पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया था। उनके अलावा लोकपाल कार्यालय में 8 पद हैं, जिसके लिए 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। लोकायुक्त पीसी घोष ने कहा, शिकायतों पर जांच करने और किराए के संबंध में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन लोकपाल कार्यालय के लिए एक स्थायी दफ्तर पहले ही देखा जा चुका है, उसमें कुछ बदलाव कराए जा रहे हैं। जल्द ही कार्यालय होटल से वहां शिफ्ट हो जाएगा। 7 माह में अब तक 3,85,00,000 रुपए किराया जा चुका है। होटल में यह कार्यालय दूसरी मंजिल पर 12 कमरों में संचालित हो रहा है। 5-स्टार होटल के 12 कमरों का सारा खर्चा सरकार दे रही है, जो कि सीधा जनता को ही जेब से जा रहा है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ काम नहीं किया जा रहा। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।